एमएसपी को लेकर फर्जी किसान नेताओं ने पिछले 4 महीने में जितनी बातें भी आपको बताई हैं वो सारी गलत प्रूव होने वाली हैं सबूतों के साथ। पहले किसान हितैषी नेता यानी कि लाल बहादुर शास्त्री ने 1965 के अंदर सबसे पहले गेहूं की एमएसपी 54 रुपए फिक्स की। उस समय तो कोई स्वामीनाथन आयोग भी नहीं था, तो फिर ये 54 रुपए आखिर आया कहां से था? बात असल में ये थी कि चाइना का वॉर इंडिया हार चुका था और डॉलर की बहुत ज्यादा कमी हो चुकी थी इंडिया के अंदर। नेहरू जी की फॉरेन पॉलिसीज उस समय काम नहीं आई थी, एक तरीके से फेल हो चुकी थी, और इंडिया के अंदर फूड ग्रेन्स की कमी अलग से थी। मतलब देश के अंदर डॉलर की कमी थी जिससे अनाज खरीदा जा सके और अनाज की कमी थी जिससे पेट भरा जा सके। तो सबसे पहले किसान नेता जो लाल बहादुर शास्त्री थे, किसानों के बारे में सोचा कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जितना डॉलर हमें देना पड़ता है वो एमएसपी इंडिया के अंदर फिक्स कर देते हैं ताकि किसानों को फायदा हो, हमारा डॉलर बचे और पूरा देश आगे जाए। तो 1966 के अंदर $2 पर बुशल खर्च करना पड़ता था गेहूं की खरीद के लिए। अब ये जो बुशल होता है ये 25 किलो का होता है, यानी कि क्विंटल के अंदर 4 बुशल्स होते हैं, यानी कि 1 क्विंटल गेहूं की कीमत या फिर 4 बुशल का मतलब हो गया 2 × 4 = 8। भारत के अंदर गेहूं का कोई रेट नहीं था, खेतीबाड़ी अच्छी नहीं होती थी, अनाज की कमी हुआ करती थी। उस समय $8 के कितने रुपए हुआ करते थे? तो उसका जवाब ये है 1964 में $1 के 6 रुपए हुआ करते थे। तो $8 के कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 6 × 8। तो इसका मतलब ये है किसान हितैषी लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा कि जो पैसा हम बाहर वालों को दे रहे हैं हम वही पैसा यहां वालों को देंगे ताकि यहां का मार्केट सुधर सके, किसानों को पैसा मिल सके, और इतना पैसा हमें तो वैसे भी खर्च ही करना है। अब हम आ जाते हैं 2004 से 2006 के बीच में, जब मनमोहन सिंह जी के परम मित्र स्वामीनाथन जी ने एक रिपोर्ट पेश की थी जिसको हम स्वामीनाथन आयोग के नाम से जानते हैं। समय के साथ में डॉलर काफी ऊपर चले गया और जो किसानों को एमएसपी मिला करती थी वो इंटरनेशनल मार्केट से बहुत नीचे आ गई। अब इसको ऊपर जाने के लिए क्या तरीका लगाया जाए, क्योंकि विपक्षी पार्टियां हो चाहे खुद की पार्टियां, उनको समझाने के लिए कोई ना कोई नई कैलकुलेशन बतानी जरूरी थी। तो किसानों के परम हितैषी अर्थव्यवस्था के माहिर मनमोहन सिंह जी को यह पता था कि इस समय यहां पर रेट क्या चल रहा है। $150 प्रति टन यानी कि ₹15 प्रति क्विंटल इंटरनेशनल मार्केट के अंदर उस समय गेहूं का रेट चल रहा था। तो डॉलर उस समय ₹45 का था और 15 का भाव चल रहा था, ये हो जाता है 675 प्रति क्विंटल। इंटरनेशनल मार्केट में 675 का मतलब करीब ₹700 होता है। इंपोर्ट करते हैं, कमीशन लगता है, अलग अलग जगह खर्चा होता है। इंडिया के अंदर उस समय करीब ₹630 का रेट चल रहा था, यानी कि इंटरनेशनल मार्केट से काफी कम जरूर था, मगर फिर भी देखा जाए तो ₹70 बढ़ाने का इसके अंदर जगह बाकी थी। तो स्वामीनाथन आयोग ने जो सिफारिश की वो भी करीब ₹70 ज्यादा एमएसपी दिलाने वाली थी किसानों को, यानी कि इंटरनेशनल मार्केट के बराबर करना इनका दोबारा से प्लानिंग थी जो कि किसानों के हित में थी। जिसके मन में थोड़ा सा भी डाउट है कि ये जानकारी ठीक नहीं है वो अपना डाउट इस बात से ठीक कर ले, एमएसपी उन्हीं क्रॉप्स की दी जाती है जिनकी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर ट्रेडिंग होती है। आलू टमाटर प्याज पालक की आज तक एमएसपी क्यों नहीं दी गई? इसी कारण से नहीं दी गई क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में उसकी ट्रेडिंग नहीं होती है। अब 2010 के अंदर जाके एक ऐसी समस्या आ जाती है कि 2013 में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट लेके आना पड़ता है। शास्त्री जी के समय डॉलर की कमी थी, दूसरी उत्पादन पूरा नहीं हो रहा था, तीसरा किसानों को इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से प्राइस नहीं मिल रहा था। अब समस्या ये आ गई थी 2010 के अंदर कि हमारा जो प्रोडक्शन है, जितनी हमें रिक्वायरमेंट है, उसका 1.5 गुना होने लग गया था। इंटरनेशनल मार्केट से ज्यादा हम एमएसपी कर चुके थे, यानी कि हम एक्सपोर्ट तो कर नहीं सकते, तो इस सारे के सारे जो एक्स्ट्रा अनाज है उसका हम करें क्या? तो ये जो बिल आया था, इस बिल ने आखिर किया क्या था? आपको पता है 1-2 रुपए के अंदर चावल मिलता है, गेहूं मिलता है, कई सारे फूड ग्रेन्स मिलते हैं। अब फूड ग्रेन अगर 1-2 रुपए के मिलने लग जाएंगे तो इनके भाव के अंदर कमी आएगी, तो हम एमएसपी को दोबारा से मैनिपुलेट कर सकते हैं। जो चीज फ्री में मिलने लग जाती है उसके रेट थोड़े से कंट्रोल में आते हैं, और ये कंट्रोल में लाना इसलिए जरूरी था क्योंकि मिडिल क्लास इससे मरे जा रहा था। ये जो मिडिल क्लास है इसी के टैक्स के पैसे से ये सारी सब्सिडीज दी जा रही थी जो इंटरनेशनल मार्केट से भी ज्यादा महंगी क्रॉप्स हो चुकी थी। और अब अगर एमएसपी को और ज्यादा बढ़ाने की कोशिश की गई तो इसकी कमर टूट जाएगी, इसकी कमर टूट जाएगी तो ये खरीदेगा नहीं, और उसके वजह से किसान की भी कमर टूट जाएगी। ये स्थिति बहुत ही विकट स्थिति थी 2014 में आ गई थी। देश को संभाला नहीं जाता तो मिडिल क्लास और उसके बाद में फार्मर की कमर टूटने ही वाली थी। इसका तरीका यह निकाला गया कि अमेरिका के अंदर भी ये फूड ग्रेन सस्ते हैं मगर वहां पर
कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंदर किसानों को अच्छी आय हो रही है। तो ये जो किसान है इसको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में बताया जाए और इसकी जो फसल है उसका अच्छा रेट दिया जाए, जिसकी वजह से जो अपर क्लास है वो इसका सामान खरीदे और विदेशों के अंदर हम एक्सपोर्ट कर पाए लग्जरी आइटम बना के। खालिस्तानियों ने एक वीडियो बनाया और उन्होंने बताया अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की शुरुआत हो गई तो रेट इतने हाई चले जाएंगे कोई खरीद नहीं पाएगा। अमेरिका के एक स्टोर के अंदर घुस गए और उन्होंने बोला देखो सेब कितना महंगा बिक रहा है, मक्का का एक भुट्टा कितना महंगा बिक रहा है और सबका यह हाल होगा। उन्होंने ये नहीं बताया कि वहां पर जो फूड ग्रेन्स है, नॉर्मल जो प्रोडक्शन फूड ग्रेन्स होता है, उसकी कॉस्ट आज भी इंडिया से नीचे है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए ही किसानों को लग्जरी आइटम बनाकर अपना जो उत्पाद है उसको बेचने और एक्सपोर्ट करने में आजादी मिलेगी, फायदा मिलेगा। उन्होंने जानबूझकर किसानों को गलत मामले में भड़काया। यहां पर देखिए आज का रेट भी अमेरिका के अंदर 6.47 पर बुशल है, यानी कि 6.47 को 4 से गुणा करो और अगर 70 रुपए का डॉलर है उससे अगर गुणा करो तो 1811 रुपए प्रति क्विंटल का रेट आता है। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होने के बावजूद 1811 अमेरिका में और इंडिया के अंदर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं है तो 1955 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी इंडिया में चल रही है। इंडिया का रेट ज्यादा है अमेरिका से, वो उन्होंने उल्टा बताया। अब ये जो नए फार्म बिल आए हैं इससे सभी को फायदा है, किसानों को भी फायदा है, मिडिल क्लास को भी फायदा है और अपर क्लास को भी फायदा है। किसान अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेगा और अच्छी फसल को अपर क्लास 300 रुपए प्रति किलो के हिसाब से खरीदने को तैयार है, जबकि मिडिल क्लास को वो अभी भी 20 रुपए प्रति किलो के हिसाब से मिल सकता है वैरायटी के हिसाब से। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंदर जो भी फसल होती है, फल सब्जी होती है, उसके ऊपर क्यूआर कोड से लिखा होता है कौन से फार्म से आई है। राजस्थान के अंदर ज्यादातर जो फसल उत्पन्न होती है वो पीने लायक पानी से होती है, वही पीने लायक पानी जो 20 रुपए की एक बोतल मिलता है। तो यहां की जो फसल है उसको 300 रुपए प्रति किलो के हिसाब से लोग खरीद पाएंगे क्योंकि ये बहुत ही साफ पानी से बनी फसल है। साथ ही के अंदर कुछ ऐसे भी फार्म्स होते हैं जो गंदे नाले से फसल की उत्पन्न करते हैं मगर मार्केट में आके वो सब कुछ मिल जाता है। अब वो वाली फसल और इस वाली फसल का एक रेट आप कैसे दोगे बताइए जरा। किसान अब क्वांटिटी ना बढ़ाकर क्वालिटी बढ़ाए, जिसका दाम उसको ज्यादा मिले, जिसका मुनाफा उसको ज्यादा मिले। 2010 के अंदर इंटरनेशनल मार्केट और इंडिया का मार्केट एक बराबर आ चुका था। अब जितना भी आगे एमएसपी दी जा रही है केवल और केवल मिडिल क्लास पे टैक्स लगाकर किसानों को सब्सिडी दी जा रही है, इससे मिडिल क्लास को छुटकारा चाहिए। 3 साल के अंदर मिडिल क्लास की कमर टूट जाएगी और टैक्स बढ़ाकर सब्सिडी दी गई तो, और किसान टूट जाएंगे 6 साल में अगर मिडिल क्लास टूट गई तो। इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो चीज बहुत सस्ती हो चुकी है उसको आखिर मिडिल क्लास क्यों खरीदेगी। 200 रुपए प्रति किलो दूध की धमकी देने वालों को यह बात अच्छी तरीके से पता है कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर 22 रुपए प्रति किलो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का दूध मिल रहा है। और अगर इन फर्जी किसान नेताओं के चक्रों में आकर किसानों ने कोई भूल कर दी तो मिडिल क्लास को दूध देने के लिए किसान को मिल्क को ओपन जनरल लाइसेंस में डालना पड़ेगा, जिसके बाद में 25 रुपए से ऊपर दूध अगले 10 साल तक नहीं जा पाएगा। ये आपकी एमएसपी की पूरी कहानी है। ये आज का इंटरनेशनल बाजार का रेट है जिससे महंगा आज मिडिल क्लास पैसा देकर आपसे अनाज खरीद रही है। बातें खुलेंगी बहुत दूर तक जाएंगी मिडिल क्लास के ऊपर और किसानों के ऊपर डब्ल्यूटीओ में किए गए एग्रीमेंट जो नरसिम्हा राव जी ने किया था, मनमोहन जी जिस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे उसका क्या असर रहा, अगले वीडियो में।